में दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी भर्ती वाले छात्रों के लिए अभी देखिए रेलवे की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। देखिए बड़ी खबर है आरआरबी ग्रुप डी की, एक जून से दोस्तों सप्लीमेंट्री डीवी लिस्ट जारी करवा दी गई है और 50% के करीब दोस्तों फिर से ग्रुप डी के डीवी में छात्र एबसेंट हो चुके हैं। तो लगातार यहाँ पे काफी सारे छात्र को डीवी में बुलाया जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे छात्र इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं डीवी में और काफी सारे एबसेंट हो जा रहे हैं। देखिए पेंडिंग डीवी लिस्ट भी अभी जारी कर दी गई है, डीवी के शेड्यूल भी आ चुके हैं। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे ग्रुप डी भर्ती वाले छात्रों के लिए आई है। देखिए न्यू क्लिक हियर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 12/5/2022। देखिए ये रही नोटिस, सेंट्रल रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल CEN 2/2018 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पे देखिए द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट्स हु कुड नॉट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड ऑन 5/5/2022 एट आरआरसी एंड 17 कैंडिडेट्स हुज केसेस वेयर केप्ट पेंडिंग ड्यू टू वेरियस रीजंस आर एडवाइज टू अटेंड सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 12/5/2022। देखिए दोस्तों जो 7th डीवी की लिस्ट यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से आई थी में यहां पे टोटल 60 छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए थे। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि दोस्तों एब्सेंट हो चुके हैं, पहुंचे ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके अलावा देखिए काफी सारे छात्र ऐसे थे जो कि यहाँ पे पेंडिंग केसेस वाले थे तो उनका भी अभी क्लियर कर दिया गया है और टोटल 17 पेंडिंग केसेस वाले छात्र का क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स और इस सप्लीमेंट्री डीवी के लिस्ट में नाम उनका आ चुका है। यहाँ पे जितने भी छात्र का अभी शॉर्टलिस्टेड किया गया है डीवी के लिए सभी की डीवी यहाँ पे 12/5/2022 यानी कि 12 मई को होने जा रही है। अब यहाँ से सारे छात्र रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर देख लीजिएगा, सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन है, छात्र के रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है और रोल नंबर यहाँ पे है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स बहुत सारे छात्र जो एबसेंट हुए थे उनकी लिस्ट है और साथ में जो पेंडिंग केसेस वाले छात्र थे उनका भी क्लियर हो चुका है और अब डीवी और मेडिकल टेस्ट के लिए उनको बुला लिया गया है। तो टोटल यहां पे 40 छात्र, इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखा जाए तो यहां पे 45, तो टोटल 45 छात्रों को अभी मौका मिला है। देखिए 17 यहां पे पेंडिंग केसेस वाले छात्र हैं जबकि 5/5/2022 को 60 छात्रों को डीवी के लिए बुलाए गए थे तो यहां पे फ्रेंड्स 28 छात्र हैं जो कि एब्सेंट हो चुके हैं। तो 60 को बुलाया गया और 28 छात्र एब्सेंट, तो देख सकते हो कि करीब करीब 50% के आसपास छात्र यहां से भी डीवी में एब्सेंट हो चुके हैं। और कुछ दिन पहले आरआरबी सिकंदराबाद जोन का जो दोस्तों बहुत बड़ा डीवी का लिस्ट आया था जिसमें से 532 छात्रों को बुलाए गए थे, बहुत सारे छात्र एब्सेंट हो चुके हैं, 224 छात्र एब्सेंट हो चुके हैं जो कि बहुत बड़ी संख्या है फ्रेंड्स और लगभग 42-45% के आसपास छात्र हैं जो कि सिकंदराबाद जोन से एब्सेंट हो चुके हैं डीवी में। ऐसे कई आरआरबी जोन से कहीं पे 45% से ऊपर एब्सेंट, कहीं पे 50% से ऊपर छात्र एब्सेंट हो रहे हैं डीवी में, कहीं पे 60% के करीब भी छात्र डीवी में एब्सेंट हो जा रहे हैं। तो लगातार डीवी तो करवाए जा रहे हैं कट ऑफ कम करके लेकिन इतने छात्र एब्सेंट रहेंगे तो इनको दोस्तों प्रॉपर कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहे हैं और यहां पे सीटें भी वैकेंट जा रही है जिसकी वजह से बार बार डीवी भी करवाना पड़ रहा है। देखिए यहां पे डेट ऑफ सप्लीमेंट्री वेरिफिकेशन की बात करें तो यहां पे 12/5/2022 को बुलाया गया है, रिपोर्टिंग टाइम 9 आवर्स है और वेन्यू की बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो ये जगह का नाम दिया गया फ्रेंड्स, यहीं पर जाकर डीवी कंप्लीट करवाने हैं इन सभी छात्रों को। कैंडिडेट्स अटेंडिंग द सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर एडवाइज टू डाउनलोड द कॉल लेटर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली। सारे छात्र डीवी का कॉल लेटर डाउनलोड कर लेंगे, थोड़ी देर में लिंक आपको बता दूंगा कहां से डाउनलोड करना है। इसके बाद नो मोर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड आफ्टर 12/5/2022 फॉर द कैंडिडेट्स रिमेन एब्सेंट ऑन 12/5/2022 फॉर व्हाटसोएवर रीजंस व्हिच मे प्लीज बी नोटेड नो फर्दर रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेंड। यानी जिस छात्र को इस सप्लीमेंट्री डीवी में बुलाया गया है 12/5/2022 को, अगर जो छात्र एब्सेंट रहते हैं 12/5 को, वैसे छात्र के कोई भी दोबारा डीवी नहीं होंगे और उनके कैंडिडेचर भी रद्द किए जा सकते हैं, चाहे कोई भी रीजन हो उनका डीवी नहीं होगा दोबारा से। तो ये अंतिम मौका इन सभी छात्रों को दिया गया है। कैंडिडेट्स में हैव टू स्टे 2-3 डेज फॉर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। कम से कम 2-3 दिन रहने खाने की व्यवस्था आपको करके जाना होगा दोस्तों सप्लीमेंट्री डीवी और मेडिकल टेस्ट के लिए आप लोग जा रहे हो तो। अब देखिए इनके एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करने हैं, तो ये जो लिंक दिया गया है फ्रेंड्स आरआरसी सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पे, क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर 7th स्टेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस लिंक से जो पेंडिंग वाले छात्र हैं वो भी अपना इक्वल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और जो एब्सेंट हो चुके हैं वो भी छात्र यहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई डाउनलोड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड, यहां पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जा रहे हैं तो डाल दीजिएगा, यहां पे डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है जो फॉर्म भरते समय डाले थे, ये कैप्चा कोड यहां पे डाल के फ्रेंड्स गेट डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहां पे एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा जिनका भी नाम यहां पे शॉर्ट लिस्टेड है। और बाकी नेक्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको जाना होगा।
इस जोन की अगर ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स की बात कर ले सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वालों की, तो देखिए यहाँ पे जो सेवेंथ डीबी की जो स्टेज चल रही है उसमें कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी का गया है 68.95436। इसके बाद ओबीसी का जो कट ऑफ गया है फ्रेंड्स घट करके हो चुका है 68.39769। बाकी एससी और एसटी छात्र की कोई भी कट ऑफ यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों एससी एसटी छात्रों की जो सीट है वो फुलफिल हो चुकी है, क्योंकि जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिए गए थे उसमें सभी जो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वाले छात्र थे उनकी भी सीट यहाँ पे मिल चुकी है, इसीलिए एससी एसटी की यहाँ पे कोई सीटें बची नहीं। यहाँ से यूआर और ओबीसी की सीटें वैकेंट है, इसलिए इन सभी छात्रों को यहाँ पे मौका मिल रहा है और सेवन सीट के डीबी के कुछ इस प्रकार से कट ऑफ गए हैं। और देखिए अभी 28 छात्र जो एबसेंट हो चुके हैं फ्रेंड्स, जिनको 12/5/2022 को पहुंचने होंगे और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसमें भी देखिएगा कि काफी सारे छात्र नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो एक बार में नहीं पहुंच पाते समझिए फ्रेंड्स सेकेंड अपॉर्चुनिटी में बहुत कम चांस होता है कि पहुंचते हैं। तो कुछ छात्र अगर पहुंचे भी फिर भी काफी सारी सीटें दोस्तों ये वैकेंट रहेंगी और उसकी वजह से देखिए फिर से कट ऑफ मार्क्स को डिक्रीज कर दिया जाएगा और एट्थ स्टेज के भी डीबी के लिस्ट यहां से जारी करवा दिए जाएंगे आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद दोस्तों फिर से एक नई डीबी इस जोन की आ सकती है। देखिए कुछ और जोन के अभी डीबी लिस्ट आ सकते हैं फ्रेंड्स, कई सारी जोन्स में अभी सीटें बची हुई है और अभी तक आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2018 की पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो प्रोसेस अभी चल ही रहे हैं, तो और भी जोन के डीबी आ सकते हैं कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज करके। तो जैसे ही और अपडेट आते हैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।